शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। सर्व मंगल मंगले सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान की पूजा से हम स्वर्ग तो पा सकते हैं लेकिन इलेक्शन नहीं जीत सकते। आप जनता जनार्दन के पास जाइए और धुआंधार प्रचार कीजिए और जिस तरह भगवान को कीर्तनों से रिझाते हैं बिल्कुल उसी तरह जनता को अपने भाषणों से मनाइए और अगर नहीं माने तो दारू का प्रसाद चढ़ाइए, नोटों से उनकी आरती कीजिए और फिर देखिए कि इलेक्शन में हमारी कितनी शानदार जीत होती है। किशन चंद जी, हम कुछ भी कर लें, वार्ड नंबर 11 हनुमान चौक का इलाका हम नहीं जीत सकते। नहीं सिर्फ बेवकूफों की डिक्शनरी में लिखा होता है भक्ति प्रसाद। डैडी ये ठीक कह रहे हैं, वो एरिया स्वराज पार्टी का गढ़ है, वहाँ के लोग उसी पार्टी को वोट देंगे। तेजा बेटे, जहाँ लालच की राजनीति नहीं चलती वहाँ आतंक की रणनीति चलानी पड़ती है। संग्राम जी, उस इलाके में इतना आतंक फैला दो कि लोगों को लगे कि अगर उन्होंने स्वराज पार्टी का नाम भी लिया तो उनकी जबान चल जाएगी और अगर वोट दिया तो जान चली जाएगी। इलेक्शन के दिन मौत के फरिश्ते बनकर तुम लोग उस इलाके में छाए रहना। समझ गए। सारा काम, सारा काम, सारा काम, सारा काम, सारा काम।
इंस्पेक्टर, तुम जानते हो तुमने किस पर हाथ उठाया है? मैं किशन चंद जी का दाया हाथ हूँ। तुम दाया नहीं, बाया हाथ हो, जिससे कंधा काब किया जाता है। लोग बगैर किसी डर के जिसे चाहे वोट दे सकते हैं। बेटा, तुमने सही वक्त पर आकर हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कानून की रक्षा करना तो मेरा फर्ज है अंकल। तुमने कानून की नहीं बल्कि आम जनता के अधिकारों की भी रक्षा की है। तुम्हारी तरह हर ऑफिसर अपनी ड्यूटी पूरी तरह अंजाम दे तो यहाँ गुंडों के राज के बजाय जनता का राज हो जाएगा। एक विशेष सूचना, महानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में श्री कृष्णचंद्र चोपड़ा की आदर्श पार्टी 2/3 सीटों से विजय घोषित कर दी गई है। श्री कृष्णचंद्र चोपड़ा सर्वसम्मति से महानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चुन लिए गए हैं। मेयर किशनचंद जिंदाबाद, मेयर किशनचंद जिंदाबाद, मेयर किशनचंद जिंदाबाद। दोस्तों, इलेक्शन से पहले हमारा नारा था मिलकर लड़ेंगे, मिलकर जीतेंगे। मेयर साहब, मैंने अपने वार्ड में इलेक्शन के लिए 2,00,000 रुपए खर्च किए हैं। ओहो, फिकर मत कीजिए, आपको कॉर्पोरेशंस के तमाम स्कूल्स के टीचर्स को अपॉइंट करने का हक दे दिया जाएगा और आप हर टीचर से 5,000 रुपए वसूल करेंगे। मेयर साहब, मेरा क्या होगा? आपको शहर की तमाम स्ट्रीट लाइट्स का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। आप ऐसा कीजिए, पहले सारी पुरानी लाइटें तोड़ दीजिए, उसके बाद नई लाइटें लगा दीजिए। किशनचंद जी, कहीं ऐसा ना हो कि दूध मलाई सब बढ़ जाए और मेरे हिस्से में सिर्फ खुरचन रह जाए। घबराओ नहीं भक्ति प्रसाद, अपने वार्ड में तुम्हें देसी दारू की दुकान खोलने का लाइसेंस मिल जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद किशनचंद जी की। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए आइए पधारिए। अरे छोटे सरकार भी आए हैं, बड़ी प्रसन्नता हुई। लाइए फोटो फोटो। मेयर किशनचंद जी की, मेयर किशनचंद जी की, साहब किशनचंद जी की, मेयर किशनचंद जी की। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी दुकान के उद्घाटन के लिए पधारे। लाओ। गरीबों के मोहल्ले में दारू का अड्डा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, दारू का अड्डा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, दारू का अड्डा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। खामोश, तुम कौन होते हो रोकने वाले? अरे भाई, इनके पास लाइसेंस है। हाँ मालूम है, लाइसेंस है। तुम अपने आदमियों को कहीं का भी लाइसेंस दे सकते हो इसलिए कि तुम्हारे पास पावर है। और तुम्हारे पास पावर नहीं है इसीलिए तुम चिल्ला रहे हो? नहीं, मैं उन गरीबों के लिए चिल्ला रहा हूँ जिनकी बजीकुदी शांति को भी तुम खत्म कर देना चाहते हो। आप तो उल्टी टोपी पहना रहे हैं। दारू का अड्डा बंद करो वरना अंजाम बुरा होगा। शट अप, हम अपना अंजाम खुद अपने हाथों से लिखते हैं। कान खोल कर सुन लो, ये दारू का अड्डा यहाँ खुलकर रहेगा। नहीं, यह दारू का अड्डा नहीं खुलेगा। अरे क्या देखते हो, मरो इनको, मरो मरो इन लोगों को, धक्के दो। अंकल ये क्या झगड़ा है? सुनील, ये भक्ति प्रसाद गरीबों की बस्ती में दारू का अड्डा खोल रहा है। इंस्पेक्टर, इनके पास लाइसेंस है, इसके बावजूद भी ये जबरदस्ती यहाँ फसाद खड़ा करना चाहते। लाइसेंस दिखा दो। देखिए सर, ये देखिए, ये लाइसेंस देखिए, ये कानून की आड़ लेकर यहाँ भूख और तबाही लाना चाहते हैं। हम यहाँ दारू का अड्डा खोलने नहीं देंगे। अंकल, ये जो भी कर रहे हैं गैर कानूनी नहीं है, इनके पास लाइसेंस है,
आपको इन्हें रोकने का कोई हक नहीं। क्या तुम भी इनकी तरफ से बोलने लग गए? मैं सिर्फ कानून की तरफ से बोलता हूँ और कानून की रक्षा करता हूँ, जो मेरा फर्ज है। आपसे भी मेरी सलाह है कि आप भी कानून मत तोड़िए। अरे सेवक राम, कब आए तुम? जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे थे तब आया। अच्छा, तो आपने भी गीता सुनी? बिल्कुल सुनी। तो फिर आपको भी पुण्य मिलेगा। जरूर मिलेगा। आ चले चलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज सब बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ हैं। बैठो सेवक राम, बैठो यहाँ, बैठिए। हाँ बैठिए। ठहरिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ दादी माँ। यार दीनानाथ, ये बच्ची तो चमत्कार है। इतनी छोटी सी उम्र में तुमने इसे क्या कुछ सिखा दिया? मैंने कुछ नहीं सिखाया भाई। पता नहीं किन माँ बाप की बच्ची है, उनके संस्कार और आदतें लेकर चली आई है। मेरा बड़ा बेटा रवि इसे अनाथ आश्रम से यहाँ ले आया है। हाँ तो चाचा जी, अब बताइए किस गुनहगार को सजा दिलवानी है और किस बेगुनाह को इंसाफ दिलवाना है? अरे शक्कर मत डालो। क्यों? ओफो दादी माँ, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि चाय में शक्कर नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को शक्कर की बीमारी होती है। हाँ। तो आप चाहते हैं कि वो शराब की दुकान वहाँ से हटा दी जाए, यही ना? हाँ बेटे। नो प्रॉब्लम, हट जाएगी। भैया जल्दबाजी में वादा मत करो, वहाँ से दुकान हटाना आसान नहीं है, उन लोगों के पास लाइसेंस है। अरे लाइसेंस है तो क्या हुआ, रवि की काबिलियत पर कभी भूल कर भी शक न करना, ये किसी भी केस को उलट पुलट कर सकता है। पिताजी, भैया का ये केस जितना मुश्किल है। देखो सुनील, इस केस को मैं जरूर जीतूंगा। इम्पॉसिबल। अरे छोटे बड़े को मत ललकार, तू हार जाएगा बेवकूफ। हाँ? क्या कहा? मेरा बेटा बेवकूफ है और तुम्हारा बेटा होशियार है? मेरा बेटा कह रहा है तो तुम्हारा बेटा जरूर हारेगा। कमाल करती हो, तुम्हें तो लड़ाई का बहाना चाहिए। अरे मैंने तुम्हारे छोटे बेटे की बुराई कब की, सिर्फ बेवकूफी तो कहा। तो क्या बेवकूफ बुराई नहीं होती? नहीं होती बुराई, मैं बेवकूफ हूँ, सारी दुनिया बेवकूफ है, तुम भी बेवकूफ हो। क्या कहा? मैं बेवकूफ हूँ? ओफो, फिर से लगाने लगे। मेरा बड़ा बेटा होशियार है, मेरा छोटा बेटा होशियार है, इस बात को लेकर झगड़ा मत करो। कितनी मार का आपसे? कहा बेटे, कौन जीतेगा कौन हारेगा कोर्ट के फैसले के बाद तो पता चल ही जाएगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है ना। ये डिफेंस लॉयर अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। योर ऑनर, उनके पास मुकदमा लड़ने के लिए कोई पॉइंट ही नहीं होगा तो क्या मुंह लेकर अदालत में हाजिर होंगे? हाजिर है योर ऑनर, डिफेंस लॉयर हाजिर है। देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं जज साहब। दरअसल बात यह है कि आज इतने बड़े वकील के साथ मुकाबला है ना, तो आशीर्वाद लेने के लिए दुर्गा माँ के मंदिर गया था। आप प्रसाद लेना चाहेंगे पीपी साहब? मंदिर का प्रसाद अदालत में नहीं लाया जाता योर ऑनर। गुस्सा की माफ योर ऑनर, ये अदालत भी तो इंसाफ का मंदिर है, और फिर भगवान का प्रसाद कहीं भी लाया जा सकता है। आप मुकदमे की पैरवी करना चाहेंगे या नहीं? जरूर करना चाहूंगा योर ऑनर। मैं आपके सामने न कोई गवाह पेश करूंगा न कोई सबूत पेश करूंगा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि क्या पीपी साहब ये जानते हैं कि शराब की दुकान कहां पर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जानता हूं, जहां पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च या स्कूल हो वहां पर शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, अब ये बताइए कि कानूनन इन सब जगहों से शराब की दुकान कम से कम कितने फासले पर होनी चाहिए? 100 मीटर के फासले पर होनी चाहिए। करेक्ट, ये पॉइंट नोट किया जाए ऑनर। अब आप ये बताइए कि जिस शराब की दुकान का ये मुकदमा चल रहा है वो शराब की दुकान मंदिर से कितने फासले पर है? फासला कैसा, वहां पर कोई मंदिर है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं पीपी साहब, उस शराब की दुकान से दुर्गा माँ का मंदिर 100 मीटर के फासले के अंदर है। ये झूठ है योर ऑनर, डिफेंस लॉयर धर्म और मंदिर का झूठा सहारा लेकर इस केस को नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज सुबह खुद उस शराब की दुकान पर जाकर आया हूँ। योर ऑनर, लोग सुबह सुबह दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं, लेकिन हमारे पीपी साहब सुबह सुबह शराब खाने जाते हैं, शायद इसीलिए इन्हें नशे में वो मंदिर नजर नहीं आया। ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं योर ऑनर, मैं फिर से कहता हूँ कि वहां पर कोई मंदिर नहीं है। वहां पर मंदिर है पीपी साहब, मैं अभी अभी उसी मंदिर से पूजा करके आ रहा हूँ। ये देखिए, माथे पर लगा हुआ तिलक माता के मंदिर का कुमकुम है, और ये कान में लगा हुआ फूल माता के चरणों का प्रसाद है। ये गलत है, झूठ है, वहां पर कोई मंदिर नहीं है। वहां पर कोई मंदिर है या नहीं ये आप खुद उस जगह चलकर देख लीजिए, तो असली साफ नजर आ जाएगी और अदालत को फैसला करने में आसानी होगी। ठीक है, हम खुद वहां चलकर देखेंगे। संतरा लेके आ।
आइए जज साहब, ये रही दारू की दुकान। जी हाँ। और ये रहा मंदिर। ये, अरे ये मंदिर कब बना? बहुत पहले से है, बहुत पहले से। अरे बहुत पहले से बना होता तो मुझे नजर नहीं आता था। अरे भाई, दारू का धंधा करने वालों को वैसे भी मंदिर नजर नहीं आता। शराब की दुकान से मंदिर तक की दूरी नापो। यस। आइए जज साहब, देवी के दर्शन करें। सर, शराब की दुकान से मंदिर की दूरी 99.5 मीटर, यानी 100 मीटर के अंदर है, जो काबिल एतराज है। हुजूर, 0.5 मीटर की गलती भी हो सकती है, ये दूरी फिर से नापी जानी चाहिए। इलेक्शन जब आप 5 वोटों से जीते थे, तब तो आपने ये नहीं कहा था कि 5 वोटों की गलती हो सकती है, गिनती फिर से होनी चाहिए। अदालत मिस्टर भक्ति प्रसाद को हुक्म देती है कि 12 घंटे के अंदर अंदर वो अपनी शराब की दुकान यहाँ से हटा लें। भाई, क्या है? ये फूल देवी का प्रसाद है, शायद इसकी महिमा से आप अकला के सीख जाए। आइए। हेलो शारदा, हाउ आर यू? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, आज दिन क्या है? अरे भूल गई, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। चलो अब हम अपना खेल खेलते हैं। मेरे हाथ में 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के कई सिक्के हैं, लेकिन 50 पैसे का एक ही सिक्का है। तुम्हें आंख बंद करके एक सिक्का निकालना होगा। अगर 50 पैसे के अलावा कोई और सिक्का निकला तो जीत तुम्हारी, और अगर 50 पैसे का सिक्का निकला तो जीत मेरी, और जो जीतेगा उसकी मुराद पूरी करनी होगी। बोलो मंजूर है? मंजूर है। चलो आंख बंद करो और एक सिक्का निकालो। चलो। अरे वाह, 50 पैसे का सिक्का निकला। इसका मतलब जीत मेरी हुई। अब मैं जो चाहूंगा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। मुझे 50 पैसे चाहिए। कुछ नहीं, जरूर इसमें गड़बड़ है, जरा हाथ दिखाओ। देखो ये नहीं वो हाथ। अरे जब मैं जीत गया तो हाथ दिखाने से मतलब? दिखाओ ना। अरे पप्पी के बाद पहले हाथ दिखाओ। दिखाओ ना प्लीज। ये सब 50 पैसे के सिक्के हैं, ये धोखा है, चीटिंग है। अरे बाबा, प्यार और लड़ाई में सब जायज होता है। अब दे दो ना पप्पी। नहीं नहीं।